ट्रीटमेंट करवा दिया, एक मिनट रुक जाओ, करवा दूँ करवा। गुड इवनिंग टू ऑल। ऑलराइट गाइस, शुरू करते हैं अपने वर्क को। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर। एंड द बेसिक प्रॉब्लम विद अस वाज दैट माइक वाज नॉट वर्किंग। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे या जी नेटवर्क इशू है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या हमारे पास नेटवर्क इशू है, ऐसी कंडीशन। नेटवर्क यहाँ से बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, आपकी तरफ से हो सकता है ये जी। तो इट माइट बी के आवाज थोड़ी सी बहुत क्लियर ना हो बच्चों, लेकिन अपने वर्क की हम शुरुआत करते हैं और जैसे भी हमारा वर्क होता है हम इसको कर लेते हैं जी। गुड इवनिंग सतीश, राखी, मीनाक्षी, सौरव, द माउंटेन, राखी, किरण, वीना जी, अनंता, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए हम आज की अपनी सीरीज 3 को शुरू करते हैं। ऑल राइट, और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अपना जी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन होंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन पेडागोजिकल इश्यूज। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टीचर्स टू शो द डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर। तो आंसर करेंगे सब बच्चे कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वेदर इट शुड बी रेटिंग स्केल्स या फिर हमारा होना चाहिए आंसर यहाँ पे क्या ये रेटिंग स्केल्स होना चाहिए या फिर असाइनमेंट्स होना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस या फिर हमारा क्वेश्चंस होना चाहिए। क्या आंसर करेंगे आप लोग जी? अच्छा ठीक है सुशील, ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट सुशील, ए आंसर बताया आपने, रेटिंग स्केल्स, ओके ठीक है। मीनाक्षी बहुत अच्छे, राखी बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है बच्चों, इट वुड बी रेटिंग स्केल्स। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, वन, ठीक है जी। यानी आप देख सकते हैं अगर रेटिंग स्केल्स की आपको डेफिनेशन बच्चों देखनी है तो कैसे बनाएंगे आप, द डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस कि भाई ये क्या है, ये अलाउ करता है टीचर्स को क्या करने के लिए, टू शो द डिग्री और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर। गेटिंग एवरीवन? तो आंसर बच्चों आपका ए बनेगा, रेटिंग स्केल्स होंगे, है ना, ना कि ऑब्जर्वेशंस होगा, करेक्ट एवरीवन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको इसमें बात करनी है सीसीई की। सीसीई सब बच्चे जानते हैं, इट वॉज इन वोग बट नाउ इट इज नॉट इन वोग, अब ये हटा दिया गया है सीसीई, बट स्टिल क्वेश्चन आर देयर ऑन दिस, इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन खूब आते हैं तो आपको इसी पे वर्क करना है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन, है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन इन वोल्स, उसमें क्या क्या होता है इन चारों में से। तो सब बच्चे आंसर करेंगे जी। रुचि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो सभी बच्चों को बताना है कि इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट्स बनेंगे इन चारों में से जी। ऑल राइट, बनाए सब लोग, व्हाट शुड बी द आंसर देयर। सी होना चाहिए, टू का बी होना चाहिए, ओके, टू का थ्री होना चाहिए जी। सुशील ठीक है, सतीश बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट बिल्कुल सही आंसर बच्चों, इसका थ्री बनेगा, इट वुड बी ए बी सी डी, करेक्ट हो रही है बात। यानी कि इसमें चारों बनेंगे सीसी में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो जजमेंट फॉर्मिंग।
ये सारे आंसर इसमें बनेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, करेक्ट बच्चों? जी बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवेल्युएशन हैज टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इवेल्युएशन के बेसिकली टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? क्या वो बच्चों एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक है, या फिर वो एजुकेशनल एंड नॉन एजुकेशनल है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है, या फिर नन ऑफ द एबव? क्या आंसर बनेगा हमारा? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि इवेल्युएशन के दो जो एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो क्या क्या हैं, तो इनमें से क्या आंसर होगा हमारा? एवरीबडी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सी आंसर कविता ने कहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विमल, कविता, किरण बहुत अच्छे, वेरी गुड। रुचि, मीनाक्षी बहुत अच्छे, वेरी गुड। बीना, बिल्कुल सही है बच्चों, सबने पढ़ा भी है कि इवेल्युएशन के दो पार्ट बनेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, इसीलिए हम उसको सीसीई भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जी सतीश, बिल्कुल सही है। राखी बहुत अच्छे, रुचि वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर दिया है सभी बच्चों ने, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा, मेन पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, तो इवेल्युएशन का मेन पर्पज बेसिकली होता क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या इसकी मेन पर्पज है, मेक अ जजमेंट कॉन्टिन्यूसली अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, मेजर अचीवमेंट ऑफ द प्यूपिल्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स ओनली, या फिर 4B, बोथ ए एंड बी। जी रुचि बिल्कुल ठीक है, राखी, सतीश बहुत अच्छे। तो आगे बताएंगे सब लोग के इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर। फोर का डी आंसर आपने बताया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। राखी, अनंता, वीना, किरण, सतीश बहुत अच्छे, ये बच्चों डी बनेगा हमारा। देखो इसमें कहना कि डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स ओनली, ये कोई बात नहीं बनती ओनली वाली, लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो ए और बी दोनों इसमें आएंगे, तो आंसर हमारा 4 बन जाएगा, करेक्ट बात है। तो सभी बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं हम। सेलेक्ट द मेन इवेल्युएशन स्किल्स विच आर टू बी जज्ड अंडर डिफाइंड नॉर्म्स ऑफ सीसीई, यानी सबसे बड़ी बात है कि सीसीई में इनमें से हम कौन कौन सी स्किल्स को एक तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो बताइए मेन इवेल्युएशन स्किल्स विच आर टू बी जज्ड अंडर डिफाइंड नॉर्म्स ऑफ सीसीई, लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स, या फिर ऑल बनेगा इसमें। जी कविता, आपने बी आंसर दिया है, ऑल डी आंसर दिया है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। और भी बताएं सब बच्चे, अगर हम मेन इवेल्युएशन स्किल्स की बात करें सीसीई में तो क्या जज करते हैं? बिल्कुल बच्चों बहुत अच्छे, राखी, कविता, वीना, करेक्ट बात होगी, रुचि, जी किरण, तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये हमारा 4 बनेगा, यानी इसमें हम लैंग्वेज एंड रीडिंग स्किल्स भी देखेंगे, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स भी देखेंगे, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स भी देखेंगे, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या बनेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। बच्चों आपने देखा ग्रेड सिस्टम, अगर हम सीसी की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्रेड सिस्टम को देखना होता है, तो उसने कहा है कि ग्रेड जो डिफरेंट है उनके मार्क्स की रेंज क्या बनेगी, तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या करेक्ट आंसर बनेगा। 91 टू 100 अगर हम देखें तो कौन सी ग्रेड है, 81 टू 90 वीसी हमारी कौन सी ग्रेड है, और 71 टू 80 कौन सी ग्रेड है, 61 टू 70 हमारी कौन सी ग्रेड बनेगी। तो 6 का आंसर हमारा बच्चों क्या होगा यहाँ पे, देखो सबसे पहली ग्रेड हमारी A1 है, तो A1 के हाईएस्ट बनेंगे, तो इट मस्ट बी 91 टू 100। फिर बच्चों हम बात करते हैं A2 की, तो ये क्या होनी चाहिए, 81 टू 90 सेकंड नंबर पे ये है। फिर हमारी B1 आएगी, B1 देखो 71 टू 80 और 61 टू 70 हमारी बनेगी, बिल्कुल सही आंसर है, इट बी बी, बहुत अच्छे। तो अगर हम मैच करें मार्क्स की रेंज और उनकी ग्रेड को तो हमारा आंसर 2 बनेगा, डन बच्चों, करेक्ट बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट विल बी बेस्ड ऑन हिज और हर, तो आप खुद बताएं अगर हम किसी बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो वो स्टूडेंट की किस चीज पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन हिज और हर, एकेडमिक एरिया,
को एजुकेशनल एरिया फील्ड या फिर अचीवमेंट इन स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज या फिर ऑल ऑफ दीज. अच्छा रुचि, बफरिंग आपकी तरफ से हो सकती है, इधर से ठीक चल रहा है अभी. अच्छा हाँ, हो तो रही है कुछ कुछ जी, बफरिंग है यहाँ पे मोबाइल. अच्छा बफरिंग की ज्यादा प्रॉब्लम है. एक बार मैं ओके. तो बच्चों एक मिनट रुकेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं. सेवन का डी आपने बताया, ओके ठीक है. सब बच्चे एक मिनट के लिए रुकेंगे, एक मिनट का वेट. जी बच्चों अब मुझे बताइए क्या ये अब ठीक है. होप के अब ये अच्छे से वर्क करेगा और अभी दिक्कत में नहीं आएगा, हमने इसको चेंज कर दिया है. तो जरा क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर दीजिए. आपने क्या आंसर दिया है? सेवन का आंसर डी दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है. डी बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा. इट इज फैंटास्टिक कि हमारा आंसर डी बनेगा. यानी जब हम सीसी की बात करेंगे तो इसमें चारों इन्वॉल्व होंगे, एकेडमिक एरिया भी, को एजुकेशन एरिया भी, अचीवमेंट इन स्कॉलरशिप एक्टिविटीज भी, तीनों यहां पे इंक्लूड होंगे. बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. विच बोर्ड ऑफ द कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड कॉन्टिन्यूस एंड कंपोजिट इवेल्युएशन CCE सिस्टम इन क्लास 9 एंड 10. बेसिकली ये कंपोजिट लिख दिया है, कॉम्प्रीहेंसिव है बच्चों, कॉम्प्रीहेंसिव. ठीक है जी. तो आपको ये बताना है कि विच बोर्ड, किस बोर्ड ने इसको इंप्लीमेंट किया है क्लास 9th एंड 10th में. तो बताइए बच्चों कौन कौन सा बनेगा इसमें से. अच्छा अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है रुचि, ऑल राइट. तो बच्चों 8 का आंसर 4 दिया है रुचि ने, कविता ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, इट इज CBSE. तो बच्चों CBSE ने इसको क्या किया है बेसिकली, हाँ जी इंप्लीमेंट किया है. बहुत अच्छे बच्चे, करेक्ट हो रहा है सुशील, ध्यान से देखेंगे. सतीश बहुत अच्छे, वीना बिल्कुल ठीक है. तो CBSE यानी अगर हम देखें तो मेन यहां पे जो बॉडी है दैट इज CBSE. अगले क्वेश्चन पे आएंगे. Which of the following is not an element of language proficiency test? देखो क्या कह रहा है, element of, और कह रहा है not, not an element of language proficiency test. तो बताओ बच्चों क्या बनेगा, spelling, vocabulary, speaking या फिर pronunciation? किसको हम इसमें से लेंगे? जी बच्चों क्या आंसर बनाएंगे आप लोग? What should be the answer here? सी आंसर स्पीकिंग. ओके निधि वेरी गुड. देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, स्पीकिंग अगर मैं यहां पे देखो वर्ड क्या है लिखा है, एलिमेंट. अगर मैं स्किल्स कह दूं, अगर हम बच्चों लैंग्वेज स्किल्स कहें आपसे, तो वो चार बनेंगे आपकी, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. लेकिन उसने कहा है नोट एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है. तो स्पीकिंग को देखेंगे तो वो स्किल है, बाकी अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं, वोकेबलरी की बात करूं, प्रोनंसिएशन, तो ये सारे एलिमेंट्स बनाते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के. करेक्ट बच्चों? तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी, क्योंकि ये हमारी स्किल है ना कि ये एलिमेंट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का. क्या ये बात समझ में आ गई है सब बच्चों को? ऑल राइट, बहुत अच्छे सब बच्चे, वेरी गुड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. इन प्रोनंसिएशन इंटोनेशन इज, सब बच्चों को बताना है कि प्रोनंसिएशन में बेसिकली इंटोनेशन हमारा होता क्या है. आपको इंटोनेशन को बताना है. तो क्या आंसर करेंगे आप इंटोनेशन का? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रेस, या फिर एन एक्सेंट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टाउन और रीजन, सेंटेंस स्ट्रेस, या फिर द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग. बी होना चाहिए. ओके ठीक है, ठीक है राखी. बाकी बच्चे बताएं, निधि ने डी कहा है, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग. ऑल राइट डी.
बिल्कुल सही बात है, डी आंसर बनेगा, करेक्ट आपने आंसर दिया सतीश, बिल्कुल ठीक है निधि, बहुत अच्छे, किरण वेरी गुड। देखो बच्चों, आपने देखा है जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं तो म्यूजिक प्ले करने में ऐसे चलता है आपका, राइज फोल राइज फोल राइज, देखा आपने ऐसे, वो डीजे बजता रहता है, डीजे में भी आप ऐसे देखते हैं ऐसे होती रहती है वॉल्यूम ऊपर नीचे। ये जो राइज एंड फोल है, राइज एंड फोल है बच्चों, ये क्या होता है, ये राइज एंड फोल ही क्या होता है, वॉइस इन स्पीकिंग है ना, इसी को हम कहते हैं इंटोनेशन। तो कभी कभी डेफिनेशन भी हमारे पास है कि व्हाट इज इंटोनेशन, इट मींस द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, करेक्ट बच्चों। जैसे अगर मैं एक लाइन को बोलूं कि हाउ डेयर यू, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, हाउ डेयर यू, तो इसको हम राइजिंग टोन में बोलेंगे, ये किस तरह बोलेगा, हाउ डेयर यू, तो ऐसे चढ़ते जाएंगे ऊपर ऐसे, हाउ डेयर यू है ना। और अगर मैं कहूं व्हाट इज योर नेम, आ रही बात, राइजिंग फॉलिंग, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो बात यहां पे प्रोनंसिएशन की क्या है, इंटोनेशन है, राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। अच्छा ठीक है ऑल राइट, आके कोई बात नहीं है। अच्छा फिर से बफरिंग, यहां से तो ठीक चल रहा है जी, ऑल राइट बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टू टेस्ट पंक्चुएशन स्पेलिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अ टीचर कैन यूज, एक टीचर क्या यूज कर सकता है, मतलब देखो क्या बात लिखी, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है, वोकैबुलरी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, रेसिटेशन टेक्निक, कंप्लीट टेक्निक, कॉम्प्लीशन टेक्निक, ओरल टेस्ट, या बच्चों नन ऑफ द अबव, उतार चढ़ाव, हाँ बिल्कुल सही है राखी, इसको उतार चढ़ाव भी कहेंगे। तो बच्चों क्या होना चाहिए, हमें देखो क्या क्या, पंक्चुएशन भी देखना है, स्पेलिंग भी देखनी है, वोकैबुलरी भी देखनी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी देखनी है। तो हाउ कैन वी, वो टीचर कैन यूज टू इवेल्युएट ऑल दीज, बी आंसर आपने कहा है, ओके ठीक है कविता, बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये आंसर बी ही बनेगा आपका, कॉम्प्लीशन टेक्निक। आपने देखा है कई बार आपको आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, इस तरह से पैराग्राफ दिया जाता है ना, उसमें बीच बीच में जगह छोड़ दी जाती है, ये छोड़ दी, यहाँ पे जगह छोड़ दी और लिख दें यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, और इनके चार चार ऑप्शन दे दिए आपको, वन के चार ऑप्शन है, इसके चार, ये बताओ इनमें से क्या हम फिल करेंगे, तो इसमें स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सारी चीजें आ जाती हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे टू आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइटिंग टेस्ट, इनमें से कौन सा बच्चों राइटिंग टेस्ट हमारा नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं, नॉट अ राइटिंग टेस्ट, तो आप खुद बताइए, कंप्लीटिंग एन इनकम्प्लीट डायलॉग बाय राइटिंग, राइटिंग है बिल्कुल, अब देखो कह रहा है करेक्टिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑन ब्लैक बोर्ड, आप राइट करेंगे, सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय राइटिंग, राइट करेंगे, लेकिन बच्चों यहां पे देखो कंप्लीटिंग एन इनकम्प्लीट डायलॉग ओरली, तो इसमें हमारी लिसनिंग एंड स्पीकिंग है खाली, इसका मतलब हम यहां पे कोई भी राइटिंग का यूज नहीं करेंगे, तो आंसर टू बनेगा आपका, बिल्कुल सही है कविता, बहुत अच्छे सौरभ किरण, बहुत अच्छे आपने आंसर कर भी दिया है बच्चों, जी बिल्कुल सही है सतीश, बहुत अच्छे, तो समझ में आ गया सब बच्चों को। हमें ये भी देखना है कि कौन सी ओरल है, कौन सी राइटिंग वाली है, कौन सी लिसनिंग है, कौन सी स्पीकिंग है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर्स टू द डिग्री टू विच अनदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड समवन्स स्पोकन लैंग्वेज, तो बताइए क्या चीज है वो जो उसकी एक्यूरेसी को समझ, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, इंटेलिजिबिलिटी या एप्रोप्रिएसी, मतलब कौन सा इनमें से टर्म है जो रेफर करता है डिग्री टू विच अनदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड समवन्स स्पोकन लैंग्वेज, तो किसे हम आंसर बनाएंगे बच्चों यहां पे? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका क्या बनेगा, वेदर इट इज एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, इंटेलिजिबिलिटी या फिर हमारा एप्रोप्रिएसी बनेगा। तो अगर सब बच्चे इस पे ध्यान दें, 13 का 1 ओके एक्यूरेसी, अगर बच्चों आपने देखा 13 का बी आपने आंसर दिया है ओके बी कविता, 13 का ए सुशील ओके, बच्चों ध्यान से देखो, एक्यूरेसी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अनदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड समवन्स स्पोकन लैंग्वेज, या फिर इंटेलिजिबिलिटी, इंटेलिजिबिलिटी का मीन्स होता है उसको समझने की योग्यता, समझना,
समझ उसकी, इंटेलिजिबिलिटी बनेगा। ये टर्म रेफर करती है कि किस डिग्री तक हम किसी की लैंग्वेज, पर्सन की लैंग्वेज को, स्पोकन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो इट इज 3। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी ये अलग चीजें हैं, एप्रोप्रिएसी भी अलग चीज है। ये तीनों की तीनों क्या बनेंगी, तीनों की तीनों एलिमेंट है बच्चों उसके, लेकिन कभी भी आप इंटेलिजिबिलिटी को एलिमेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी। समझ में आ गया? नहीं रुचि, आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सब बच्चे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों कैसा होना चाहिए हमारा? तो ये टीचर ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टूडेंट ओरिएंटेड, स्कूल ओरिएंटेड या करिकुलम ओरिएंटेड? तो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब है TLM कैसा होना चाहिए, हम इसे कैसा बनाएंगे बच्चों? स्टूडेंट के ओरिएंटेड रखें, टीचर ओरिएंटेड, करिकुलम या फिर स्कूल ओरिएंटेड? 14 का सी आंसर दिया, करिकुलम ओरिएंटेड। ओके ठीक है। रितु बी कहा है आपने, गुड। सौरभ बी कह रहे हैं। अच्छा बच्चे देखो, करिकुलम ओरिएंटेड हम अगर रखेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आएगा स्टूडेंट ओरिएंटेड रखने में, क्योंकि स्टूडेंट ओरिएंटेड होगा तो ऑब्वियसली वो करिकुलम ओरिएंटेड भी होगा। तो आंसर हमारा 2 बनेगा यहां पे, ठीक है जी। तो आंसर बच्चों हमारा यहां पे 2 बनेगा। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनमें से इनकरेक्ट देखना है आपको, यानी कि जो करेक्ट नहीं है इस पे फोकस करेंगे TLM के बारे में। देखो, इट हेल्प स्टूडेंट टू एनहांस देयर लर्निंग, बिल्कुल करता है भाई। मेक स्टूडेंट्स लर्निंग परमानेंट, 100% करता है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, बिल्कुल करता है। शुड बी सेलेक्टेड रेंडमली टू फुलफिल द पर्पज, नहीं बच्चों, चौथा आंसर इसका नहीं होगा, तो यही आंसर बनेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने अपर्णा, सौरभ बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। हाँ जी, करेक्ट आंसर दे दिया जिन बच्चों ने भी दिया, गुड, वेरी गुड निधि, सतीश बहुत अच्छे, राखी बहुत अच्छे। तो समझ में आ गया बच्चों, ये आंसर हमारा 4 बनेगा। इट शुड बी सेलेक्टेड रेंडमली, रेंडमली टू फुलफिल द पर्पज, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम रेंडमली नहीं लेंगे बच्चों उसको, बल्कि कैसे लेंगे, बहुत ही सोच समझ के, इंटेलेक्ट करके उसको हम उसे एडॉप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड, कौन सी नहीं है, इस पे आपको देखना है क्या नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एड। नंबर 1 देखेंगे, टीचिंग एड्स कैन बी फाउंड इजिली वेदर इन अ मार्केट और कैन बी मेड बाई टीचर और स्टूडेंट। ओके ठीक है। टीचिंग एड्स आर कॉस्टली एंड नॉट इजी टू कैरी, ये कोई बात नहीं बनी बच्चों। अगर हम ये कह देंगे वो कॉस्टली हैं और नॉट इजी, ये तो कोई बात नहीं बनी। बुक्स हमारी हैं, बड़ी आसान होती हैं, ले जानी भी हैंडी होती हैं, एंड ऑल्सो वी सी दैट इज नॉट कॉस्टली, अगर CBSE की हम बात करें, राइट बच्चों। अगर हम NCERT की बात करें तो वहां पे कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं थी, बाकी 8 भी हम ऐसी बात कह सकते हैं। हाँ, कुछ कॉस्टली हो सकती हैं, लेकिन सभी कॉस्टली होंगी ये कोई बात नहीं है। तो आंसर हमारा 2 ही बनेगा। बाकी आप 3-4 को देखेंगे तो वो बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। तो आंसर इज 2, क्योंकि यहां पे उसने नोट पूछा है हमसे। डन बच्चों, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है अनंता, मीनाक्षी, वीना। अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, 17 नंबर पे यहां पे देखेंगे। एड्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, देखो क्या कह रहा है, एड्स का मतलब यहां पे टीचिंग लर्निंग एड्स से है, और वो कह रहा है हियरिंग से जो हमें हम जानते हैं किस सेंस को सेटिस्फाई करती है, हियरिंग को। तो क्या ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों, या फिर ऑडियो विजुअल हैं? रुचि आपके मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं बेटा। 17 का 1, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुशील, सौरभ, अपर्णा, वेरी गुड। तो आंसर हमारा ए से बनेगा भाई, खाली हियरिंग की बात कर रहा है, हियरिंग ओनली, तो ऑडियो एड्स बनेंगी। अगर उसमें हियरिंग एंड लाइक हमारी विजुअल दोनों होती तो ऑडियो विजुअल बन जाता है ना। जैसे टेक्स्ट बुक है, अच्छा आंसर बताओ मुझे, टेक्स्ट बुक हमारी कैसी कैसी एड है बच्चों, विजुअल एड है, ऑडियो एड है, या ऑडियो विजुअल है? हाँ जी, 17 का 1 बनेगा, 1 अंता जी, राखी बिल्कुल ठीक है, वीना बहुत अच्छे, मीनाक्षी, रुचि, सतीश, हाँ विजुअल है पढ़ना। वैसे तो आजकल हमारी बुक्स कैसी आ गई है, ऑडियो विजुअल भी आ गई हैं, लेकिन ऑडियो बुक्स को हम मानते नहीं है, टेक्स्ट बुक को हमेशा कैसे लेते हैं, टेक्स्ट बुक का मीन्स है बच्चों हमारी ओनली एंड ओनली विजुअल, करेक्ट बात होगी। अच्छा ये बताओ, टीचर कैसी एड है बच्चों आपकी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टीचर कैसी एड है, ऑडियो है, विजुअल है, या ऑडियो विजुअल है?
इसको भी बताएं सब बच्चे, टीचर हमारे लिए कैसी एड का वर्क करेगा, वो विजुअल है, ऑडियो है या फिर ऑडियो विजुअल है? जी ठीक है, ओके। सुशील ने ऑडियो कहा है, ओके। टीचर ऑडियो है या ऑडियो विजुअल है या बोथ है? ऋतु, ऋतु ने बोथ कहा है, सौरभ ने बोथ कहा है, रुचि ने बोथ कहा है, किरण ने भी बोथ कहा है, सतीश ऑडियो। तो सतीश और सुशील बाजी मार के लेके, नहीं सुशील ने तो विजुअल कह दिया है, ओके सुशील आपने बोथ कह दिया, रुचि बोथ। बच्चों ध्यान से देखो, टीचर सिर्फ आपका ऑडियो है, टीचर की आप आवाज सुनते हो, टीचर आपको जो मतलब होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे टीवी को देखो, टीवी टीवी ऑडियो विजुअल क्यों है कि मैंने बोला मोदी जी, मोदी जी ने आज इसका, मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं तो उनका फोटो भी आएगा, अमेरिका जाते हुए फोटो भी सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन टीचर की तो आवाज सुनती है, उसमें कुछ दिखता थोड़ी है आपको। लाइक मैं बताने लगूं आपको मिल्टन, तो मेरे अंदर मिल्टन दिखने लगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो टीचर सिर्फ ऑडियो है, जबकि टीवी आपका ऑडियो विजुअल है। क्या ये बात समझ में? रेडियो, ऐसे तो बच्चों आपको रेडियो भी दिखाई देती है, लेकिन रेडियो क्या है, खाली ऑडियो है। पकड़ में आ गई बात कि नहीं? नहीं रुचि, टीचर को देख तो सकते हैं बट उसमें वो जो बोलता है वो उसमें नहीं दिखता, तभी तो टीवी को हम ऑडियो विजुअल कहते हैं, वरना तो देखने को तो हमें रेडियो भी दिखाई देती है। बोलो ये बात क्लियर हुई सब बच्चों को या नहीं? बड़ी कांटे की बात है, गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने नहीं समझा। टीचर इज ऑडियो ओनली, ना कि वो विजुअल है ना बच्चों? ना ना किरण, इमेजिन करा देना अलग बात है, इमेजिन तो हम आपको बोल के भी करा सकते हैं, ऑडियो से भी करा सकते हैं। ऑडियो विजुअल होता है टीवी, जो भी बोला जा रहा है वो दिख भी रहा है हमें, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ जी बच्चों, नहीं नहीं राखी दोनों नहीं है बेटा, इसको गलत नहीं करेंगे सब बच्चे। टीचर आपका बच्चों हमेशा और हमेशा क्या है, ऑडियो है, ये बात ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। हाँ जो वो बोल रहा है वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेल्फ स्टडी लैंग्वेज कोर्सेज, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सेल्फ स्टडी लैंग्वेज कोर्सेज, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिंग्वाफोन या फिर लैंग्वेज लेबोरेटरी। एक्टिविटी दिखाई देती है बेटा बट उसे हम ऑडियो में रखेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। हाँ जी बच्चों बताइए, सेल्फ स्टडी लैंग्वेज कोर्सेज इनमें से कौन सा हमें प्रोवाइड करता है, टेप रिकॉर्डर, रेडियो या फिर लिंग्वाफोन या फिर हमारा लैंग्वेज लेबोरेटरी। 18 का डी, बहुत अच्छे, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है सतीश, अपर्णा बिल्कुल ठीक है, सुशील बहुत अच्छे, रितु, किरण बहुत अच्छे। तो आंसर बच्चों लैंग्वेज लेबोरेटरी बनेगा, सब बच्चों को पता है लैंग्वेज लेबोरेटरी है ना। यहाँ पे क्या मिलता है आपको, एक हेडफोन मिलता है, हेडफोन आप अपने कानों में लगाते हैं और आप लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग करके फिर आप उसे स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, एक गाइड उस रिकॉर्डिंग को देखता है और जहां पे गलती होती है उसको आपको री स्पीक कराता है, री स्पीक, इसी तरह से आप सीख जाते हैं। तो अगर मैं इसको बताऊं तो ये आपका ऑडियो सिस्टम बन गया पूरा, यानी कि लैंग्वेज लेबोरेटरी और कुछ नहीं है, खाली क्या है, एक आपका ऑडियो सिस्टम टू लर्न अ लैंग्वेज। करेक्ट एवरीवन? तो 18 का बच्चों आप डी बनाएंगे। 19 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एट हेल्प इन अटेनिंग ब्लूम्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव, तो इनमें से कौन सा हमारी हेल्प करता है, एड्स हेल्प्स इन अटेनिंग ब्लूम्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल या फिर विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। यस एवरीवन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प्स इन अटेनिंग ब्लूम्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स? थ्री, करेक्ट बात है बच्चों, हमारा थ्री बनेगा यहां पे, थ्री वुड बी द आंसर, ठीक है जी। हां जी, खाली इसमें क्या करेंगे, ऑडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, उसमें दोनों ही आ जाएंगे आपकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी, देखो ध्यान से, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी, तो बताओ पिक्चर से दिखाते हो, ग्राफ से, मॉडल से या बच्चों मैप से शो करते हैं आप?
एरिया लैंड या सी का पूछ रहा है तो हमेशा आप उसे किसमें दिखाते हैं, 20 का क्या बनेगा हमारा। हां जी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है अपर्णा, करेक्ट आंसर हो गया, ये मैप बनेगा आपका। भाई मैप के थ्रू ही तो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी एरिया ऑफ लैंड का या फिर सी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ ड्रॉइंग दैट शोज इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल वे ऑफन यूजिंग लाइन्स एंड कर्व्स। तो अगर बच्चों हम उसमें लाइन्स और कर्व्स देखते हैं, ऐसे ऐसे करके कर्व्स देखते हैं, ऐसे ऐसे करके कर्व, तो ये किस में आता है, मैप में, मॉडल्स में, चार्ट्स में या फिर फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर में, किस में आप इसे लगाएंगे। तो 21 का आंसर हमारा क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल वे ऑफन यूजिंग लाइन्स एंड कर्व्स इन, 20 का सी। ओके ठीक है, ओके ओके, हां जी मोहित बिल्कुल सही है, करेक्ट बात है, बहुत अच्छे। ये बच्चों हमारा चार्ट बनेगा, चार्ट बनेगा जी। तो लाइन और कर्व हम किस में यूज करते हैं, चार्ट में ही तो यूज करते हैं बच्चों, ना कि मैप में, मॉडल्स में, फिल्म स्ट्रिप में। डन होगी बात, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा। देखो फिल्म स्ट्रिप ड्राइंग तो नहीं होगी ना, ये ड्राइंग नहीं है हमारी, तो आंसर बच्चों आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 22। इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इमेज, डल इमेज, इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया वंस कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेटर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। हाँ इसको बताएंगे सब बच्चे, कॉमन फॉर्म थी किसकी, इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ फुल, एफ यू डबल एल, फुल इमेज इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया। देखो मल्टीमीडिया का मीन्स भी समझेंगे यहां पे, मल्टीमीडिया का मीन्स क्या है इसमें तो बच्चों ये फिल्म स्ट्रिप बनेगा, फिल्म स्ट्रिप के थ्रू हम खूब सिखाते थे, ना कि टेलीविजन, कंप्यूटर या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। ये थे तो सबके सब, लेकिन अनकॉमन थे उस समय में, राइट बच्चों। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम फिल्म स्ट्रिप से चीजों को सिखाया करते थे। 19 क्वेश्चन एक बार समझाना है। अच्छा 19 में ब्लूम्स की टीचिंग ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प्स इन अटेनिंग ब्लूम्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ब्लूम्स के टीचिंग ऑब्जेक्टिव आप अगर देखेंगे तो उन्हें समझाने का सबसे बढ़िया काम कौन करता है, ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आ जाता है। राखी ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप देखेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू व्यू फोटोग्राफिक स्लाइड्स यूजिंग। तो बताइए स्लाइड प्रोजेक्टर में ये डिवाइस है जिसमें हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक स्लाइड्स को देखने में, किसको यूज करके, कंप्यूटर मेथड, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड, टेक्निकल मेथड या फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड, क्या बनाएंगे सब बच्चे। भाई आपने देखा फोटोग्राफिक स्लाइड्स होती है, उनको बदलते रहते हैं हम, तो क्या क्या वर्क करता है उसमें। 23 का आंसर अगर बच्चों आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका सेकंड नंबर, बिल्कुल ठीक है। 20 वाला भी बताओ, ओके 23 का बच्चों हमारा बी बनेगा सेकंड। ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स को यूज करते हैं। ऑप्टिकल का मीन्स होता है जब आप स्लाइड को रखते हैं ना, एक स्लाइड को नीचे से लाइट आती है, उस स्लाइड को सामने छाप देती है वो, तो ऑप्टिकल हो गया, और साथ में हमारा क्या मैकेनिकल मेथड्स भी उसमें यूज होते हैं, तब जाके हम उसे देख पाते हैं। एक बार 20 वाला बच्चों देख लेते हैं, बच्चे की डिमांड है। देखो जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी एरिया का, एरिया ऑफ लैंड और सी। आपने देखा ना जब आप एक मैप को देखते हैं तो मैप पे लिखा रहता है कि देखो ये यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, और उसके बीच में ये लैंड है, तो ये क्या होगा, ये मैप ही तो बनेगा आपका, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम आपका 24। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटीरियल। टीचिंग लर्निंग मटीरियल को सेलेक्ट करने के लिए हमें इनमें से कौन को ध्यान में टेकन केयर करना चाहिए। तो बताइए बताइए बच्चों क्या बनेगा, रेलिवेंट एंड सुटेबल बिल्कुल होना चाहिए,
प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट बिल्कुल होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पे बनेंगी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 1 ABC, ऑल द थ्री वुड बी देयर। ना ना, मॉडल में नहीं बनता है रुचि, मॉडल इज समथिंग डिफरेंट। मॉडल तो ऐसे होता है कि किसी की रेप्लिका हमने बना के आपको प्रोवाइड कर दी कि मॉडल की तरह से वर्क करेगा, ठीक है। हाँ जी कविता, बिल्कुल ठीक है, 24 का हमारा ए बनेगा। अब आप देखेंगे 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज मैप्स शोइंग द क्रॉप। अब देखो कैसे मैप्स, कौन से मैप हैं जो क्रॉप को शो करते हैं, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड यूज एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो अगर हम लैंड यूज को देखें, ट्रांसपोर्ट को देखें और बच्चों क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉलिटिकल, सोशल या फिजिकल तो नहीं बनेगा ना, ये इकोनॉमिक मैप बनेंगे आपके। जब हम इकोनॉमिक मैप बनाते हैं तब इन सारी चीजों को देखते हैं, कहां पे कितना लाइव स्टॉक है, क्या क्रॉप है, किस तरह की क्लाइमेट, ये सारा उसमें आ जाता है। क्लाइमेट तो बल्कि हमारा फिजिकल में आ जाता है, बट ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो इट वुड बी द इकोनॉमिक मैप। तो 25 का आंसर आपका 1 बनेगा, बहुत अच्छे। 26, सम सिग्निफिकेंट, क्या क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन है सम सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैप रीडिंग स्किल्स आर। मैप रीडिंग स्किल्स की कुछ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है, सिंबल्स ऑफ प्लेसेस, लोकेशन ऑफ प्लेसेस, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों आप इसमें से क्या लेंगे, ट्वेंटी सिक्स का डी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात है सतीश, करेक्ट आंसर दिया है आपने, बिल्कुल ठीक है जी, करेक्ट आंसर कर रहे हैं सुशील, बहुत अच्छे रितु। ये बच्चों डी बनेगा आपका, इसमें सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ लैंग्वेज लैब। बड़े ध्यान से देखेंगे, अभी हमने लैंग्वेज लेबोरेटरी की बात की थी, वो कहता है इनमें से कौन सा नहीं है एक सेक्शन लैंग्वेज लेबोरेटरी का। तो क्या बच्चों, कंसोल नहीं है, कंट्रोल रूम नहीं है, रियलिया नहीं है या फिर हियरिंग बूथ नहीं है। तो कौन सा इनमें से नहीं है एक सेक्शन किसका, लैंग्वेज लैब का। 26 का, ठीक है, बहुत अच्छे रुचि, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और सब बच्चे ध्यान रखें, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट, इस पे ध्यान रखना है। जो बच्चे लगातार वर्क कर रहे हैं, अगर दो चार क्वेश्चन का भी बच्चों डिफरेंस बनता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। 27 का बी आंसर दिया, कंसोल, ओके ठीक है रितु, रुचि 2 कह रही है, ओके किरण बी। बच्चों ध्यान से देखो, देखो जब आप एक लैंग्वेज लैब में देखेंगे, अभी हियरिंग बूथ की बात करी थी, बिल्कुल बच्चों वहां पे होता है ना, हेडफोन मिलता है, कंसोल भी मिलता है, कंट्रोल रूम भी। ये जो रियलिया है, रियलिया का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट से, रियल ऑब्जेक्ट, तो आपको रियल ऑब्जेक्ट थोड़ी मिलते हैं वहां पे, है ना। रियलिया तो अलग चीज है, रेप्लिका होगी चीजों की। तो आप आंसर करेंगे इसमें 3, इज नॉट अ सेक्शन ऑफ लैंग्वेज लैब। डन होगी बच्चों बात। व्हाट इज कंसोल, कंसोल होता है जहां पे मतलब जिससे सिस्टम को एक क्या कहेंगे, बूस्टअप मिलता है, जहां से आवाज फिर हेडफोन में जाएगी, हियरिंग बूथ में जाएगी। फिर कंट्रोल पैनल होता है, उससे कंट्रोल करते हैं आप उसको। हाँ जी, रियली आपका रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम, 28, टू वे कॉन्वर्सेशन इज डन विद एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट थ्रू, किसके थ्रू किया जाता है बताइए। सो टू वे कॉन्वर्सेशन इज डन विद एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट थ्रू, बताइए बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, मॉनिटरी स्विचेस, इंट्रैक्शन स्विचेस या फिर ग्रुप कॉल स्विच। जी बच्चों, तो टू वे कॉन्वर्सेशन इज डन विद एनी इंडिविजुअल स्टूडेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, मॉनिटरी स्विचेस, इंटरकॉम या फिर हमारा ग्रुप कॉल। 28 का सी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर दिया है राखी आपने, सतीश बहुत अच्छे, हाँ जी किरण बहुत अच्छे। इंटरकॉम, देखो सब बच्चों को मैं बता दूं, दो वर्ड होते हैं आपके, एक होता है देखो इसको कहते हैं इंटरनेट, सब बच्चे समझेंगे। आप यहां पे हैं, आप पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, सारा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है आपसे, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो, ये इंटरनेट है।
लेकिन बच्चों अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, इस ऑर्गेनाइजेशन में 1% ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे एक पर्टिकुलर इसके अंदर अंदर जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं इंट्राकोम, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं, सॉरी इसको इंट्रानेट। तो ये इंटरनेट और ये बच्चों इंट्रानेट। तो इंट्रा का मीन्स होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप इंटरकॉम का यूज करते हैं तो इंटरकॉम भी इसी चीज को कहते हैं। ये स्विचेस कैसे होते हैं जो आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहा है थ्रू इंटरकॉम, है ना, आपने सुना भी होगा इंटरकॉम वर्ड को। तो 28 का सी बनेगा। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन डायोरमा, डायरमा में। तो बच्चों डायरमा को आपको समझना है, डायरमा होता क्या है, नॉट इन्वॉल्व्ड कह रहा है। तो देखो स्टोरी, पपेट, मॉडल्स या फिर फ्लैश कार्ड। देखो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो डायरमा होता है बेसिकली इसमें क्या होता है बच्चों, एक स्टोरी को हम पपेट्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। मॉडल और पपेट्स के थ्रू एक स्टोरी को प्रोवाइड करना ही बेसिकली क्या कहता है, डायरमा कहलाता है, राइट बच्चों। तो डायरमा बेसिकली यही है। तो इसमें फ्लैश कार्ड्स का हम यूज नहीं करते हैं, है ना। आंसर क्या बनेगा आपका, नॉट इन्वॉल्व्ड इज द फ्लैश कार्ड्स। बहुत अच्छे, कई बच्चों ने, किरण ने जवाब दे दिया है, रुचि बहुत अच्छे, वेरी गुड सतीश, बहुत अच्छे मीनाक्षी, रुचि वेरी गुड, ये तो वीना, रितु, कविता, कई बच्चों ने जवाब दे दिया है, हम तो देख भी नहीं पाए इसको। वेरी गुड अनंता, गुड राखी जी। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 30, आज 30 क्वेश्चन ही करेंगे। तो 30th क्वेश्चन को देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोवाइड्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू आर्ट, इंग्लिश एंड हिस्ट्री अलोंग विद सब्जेक्ट कोरिलेशन। कंस्ट्रक्शन, यहां पे कोई वर्ड छूट गया है जहां तक मुझे लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोवाइड्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू आर्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री अलोंग विद सब्जेक्ट कोरिलेशन। तो बताओ डायरमा, पपेट, मॉडल्स या फिर चार्ट। थर्टी का बी होना चाहिए, मॉडल्स। हाँ इसका शायद मॉडल्स ही होगा, इसमें वैसे कंप्लीट सेंटेंस मुझे नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है, राइट बच्चों, बाकी इसको हम देख लेंगे एक बार। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सब बच्चे इसको लाइक करेंगे, सब बच्चे इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे बताइए आज के क्वेश्चंस बच्चों कैसे लगे आपको। आज हमारा थर्ड सीरीज है, मेरी कोशिश ये हो रही है कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम इसको लें। 26 को एग्जाम है तो कोशिश करेंगे 25 तक आपका हो जाए, है ना, यानी अभी 2-3 सीरीज आपकी और बन जाए, 22, 23, 24, 25 तक, मतलब इतने से भी हेल्प मिल जाएगी बच्चों। 4-5 क्वेश्चन भी आपके अगर इससे बन गए या ज्यादा बन गए, मैं तो कहता हूँ 10 क्वेश्चन कम से कम बनाना एक्स्ट्रा, लेकिन 4-5 भी बन गए तो भी जबरदस्त रहेगा। अच्छा गुड सचिन, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, वेरी नाइस बच्चों, ये सब आपके लिए है और आप ही लोगों के एक मैं कहूंगा एक प्यार का एक रिजल्ट है, है ना, और इसी बात को मैं लेके चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राखी। तो चलिए बच्चों मिलते हैं कल फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी मीनाक्षी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है रुचि, बहुत अच्छी बात है। ऑल राइट, थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।